स्टिल्ट फिशिंग श्रीलंका की सबसे रोचक पारंपरिक मछली पकड़ने की विधियों में से एक है। रिकॉर्ड इसे दूसरे विश्व युद्ध के बाद होने का संकेत करते हैं। यह मछली पकड़ने का तरीका समुद्र तटों पर आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन 2004 के सुनामी के कारण इस प्रक्रिया को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था, जो हाल ही के सालों में फिर से शुरू किया गया है। सौंधी तटों में खोगला, कथलुवा और अहंगामा जैसे शहरों में आमतौर पर देखा जा सकता है कि मछुआरे सुबह, दोपहर और सांकालीन समय में कुशलता से फिशिंग करते हुए शाखादार पोल पर बैठे हुए होते हैं। एकाधिक बार ऐसे स्टिल्ट मछुआरे मडू नदी के पानी में भी देखे जा सकते हैं। हालांकि स्टिल्ट मछुआरे इस गतिविधि को आसान और सुखद बनाने की वजह से उसमें काफी कौशल और संतुलन की आवश्यकता होती है। इस विधि में समुद्र तट या नदी के धारों में एक लंबी खंभा जोड़ी जाती है। इस खंभे के ऊपर से मछुआरे कम से कम पानी में कुछ मीटर ऊंचे बैठते हैं, जिससे पानी पर कम से कम साया बनता है और इससे समुद्री जीवन में कोई भी परेशानी नहीं होती है। इसके बाद स्टिल्ट मछुआरे इस अनिश्चित स्थिति से एक रॉड का उपयोग करके समुद्र के तट से या नदी से छोटे मछली जैसे धारित मछली को पकड़ते हैं। वे मछली को खंभे पर या अपनी कमर पर बांधे हुए बैग में इकट्ठा करते हैं।